गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल एक बिटिया ने व्हाट्सएप पर मुझे लिखा है, नाम भी बोल रहा हूं, दीपा है। दीपा ने कल मुझे व्हाट्सएप पर लिखा कि गुरुजी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ना मुझको कोई समझ आ रहा। बड़ा अच्छा लगा, स्पष्ट तो बोल रहा है आदमी। आज मैंने उससे कहा है फोन पर बात करने के लिए, परंतु जो मुझे एक बच्चे से फीलिंग हुई है, उस फीलिंग को मैं आप सबके सामने भी लाना चाहता हूं। आप सबको भी पता लगे, हो सकता है आप में से छुपाए बैठे हो, नहीं बोल रहे हो। पहली बात तो ये कहूंगा, परिवर्तन बड़ा धीरे होता है, सहज होता है, इसलिए पता नहीं लगता है। सहज सरल होने के कारण पता नहीं लगता है। पतन का पता तुरंत लगता है क्योंकि वो असहज होता है, कर्कश होता है, कठोर होता है। ऐसा मैंने क्यों कहा? अगर कोई गिरता है तो चोट लगती है, हो सकता है हाथ पैर टूट जाए, हो सकता है जान चली जाए। बेटा मैंने परिवर्तन की बात करी है, गुरुदेव भी परिवर्तन की बात करते हैं। उत्थान का, सृजन का जो परिवर्तन है वो बहुत सहज है, कष्ट साध्य है, कष्ट साध्य है, परंतु सहज है, सरल है, सौम्य है। पतन का जो परिवर्तन है वो असहज है, कठोर है, कष्टकारक है। दोनों बात आपको साफ हो गई होंगी। जिसमें हम अपना उत्थान, हमारी जो कमी है वो ये है कि जिसमें हम अपना उत्थान समझते हैं उसी में हमारा पतन भी छुपा हुआ है। ये बुद्धि की कमजोरी है। एक भी व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जिसके सामने मुसीबतों के पहाड़ ना हो, बड़ा तोल करके बोलिए, एक भी व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जिसके सामने मुसीबतों के पहाड़ ना हो। राजा की मुसीबत राजा के जितनी बड़ी और गरीब की मुसीबत गरीब के बड़ी। और एक बात कह रहा हूं, गरीब की मुसीबत राजा से बड़ी हो सकती है और राजा की मुसीबत गरीब से बड़ी हो सकती है। अब क्या किया जाए? गुरुदेव कहते हैं जागृत सूर्य सानिध्य से जो शक्ति हमको मिली, उस जागृत शक्ति का उत्थान किया जाए। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं बड़ा लाड करके आपको कह रहा हूं, मुझे जरा एक बात बताओ। हर आदमी ये चाहता है मेरी जिंदगी में कोई मेरा इतना नजदीक हो जिससे मैं अपने मन की दुख सुख की सब बात कह लूं, परंतु वो इतना महान हो कि मेरी बात को पचा करके, मेरी बात को पचा करके
गोवर्धन जी, मेरा एक इशारा करने की देर है, आप रामपाल जी से भी महान हैं। अगर आप इसी बात को लिखते रहेंगे, ये हमें पता है। मैंने कहा मेरा गुरु भी कबीर रहा है, आप इस बात को ना लिखें, अपनी कोई अच्छी बात लिखें, नहीं तो मैं कार्यकर्ता को एक बार इशारा करने की देर है, ब्लॉक कर देगा आपको। अगर आपने दोबारा ये लिखा तो आप ब्लॉक मिलेंगे। मैं अभी आपसे ये कह रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके हर दुख सुख में हर तरह से उसके काम आए, उसकी अंतर की बातों को सुने, उसकी अंतर की बातों को सुने, पचाए, किसी के सामने उगले ना, और उसमें से निचोड़ निकाल करके बताए कि इस रास्ते पर चलना है जो हमारे लिए बहुत सुगम, सहज, सरल होगा। हाँ ललिता, समय अनुसार परिवर्तन तो होता है, पर बेटी उसमें एक चीज झांक करके देखिए, जो अकेला मुसीबतों को झेलता रहता है, जिसकी कोई सुनता नहीं है, उपेक्षाएं मिलती हैं, वो पतन में चला जाता है। जिसको कोई प्रेम करने वाला होता है, जिसको कोई चाहने वाला, बेटा एक यात्रा तो शरीर की यात्रा है। ललिता बता बेटा, शरीर की यात्रा को कौन नहीं कर रहा? शरीर की यात्रा को कौन नहीं कर रहा? हाय साधन, हाय दौलत, हाय पैसा, बस सुख सुख, साधन, निकम्मापन, यही तो पतन का कारण है बेटा। यही तो पतन का कारण है बेटा। जो मंथन है वो है क्या? मैं ये कह रहा हूं, सबसे पहला चरण है मंथन। वो मंथन है क्या? मत करके दूध में से घी निकलता है, मत करके दूध में से घी निकलता है। ऐसे ही जब समुद्र को मथा गया था तो उसमें से रत्न भी निकले थे और जहर भी निकला था। मतलब अरे सब चीज आपको स्पष्ट हो जाए, मेरे जीवन में क्या क्या छुपा हुआ है, और इतनी समझ आ जाए कि इससे मेरा परिवर्तन हो रहा है। यही कारण है बेटा, आप समझ आ गई ना बात? जहां अपेक्षा है वहीं उपेक्षा है, जिससे आप अपेक्षा करोगे वही आपकी उपेक्षा करेगा। बेटा साधक और साध्य दो शब्द हैं, साधक और साध्य। साधना को साधना पड़ता है, साध्य को साधना पड़ता है, तब वो आपके काम आती है। साधना जब तक सदेगी नहीं वो आपके काम नहीं आएगी, और सदता है विचार से, सदता है विचार से। इसलिए साधना करनी पड़ती है, इसलिए साधना करनी पड़ती है, साधना करनी है अपने विचार की। हम किसी से अपेक्षा ना रखें जो हमारा हितेश, मैं फिर से कहता हूं, एक रिश्ते तो सांसारिक हैं और दूसरे रिश्ते आत्मिक हैं।
जहां आपका आत्मिक रिश्ता है वहीं पर आत्मा सृजन करेगी। दीपा अभी शायद लाइन पे आई नहीं है, अब मैं पूछ रहा हूं, उसके दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों के साथ उसका कैसा लगाव है? पर बेटा उसमें दोनों चीज काम करती हैं, तन का भी है और हृदय से भी है, तन से भी है और हृदय से भी है। पूरे संसार में झांक करके देखिए, हर मां बाप ने अपनी संतान को इन्हीं से लगाव किया है। एक मां जब अपने बच्चे को देखती है तो अपने आप ही उसके मन में आता है मेरा बच्चा भूखा है, उसका हृदय हिलोरे लेने लग जाता है, उसकी ममता उभरती है, दूध बनकर के छाती में उतरती है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं उस ममता की बात कह रहा हूं, चाहे आज बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो गया हो, मां बेशक मां का दूध ना पीता हो, पर मां का दूध नहीं पीता तो मां की ममता भी है। और एक बात फिर से कह रहा हूं, कोई बच्चा अपने आप को बच्चा मान करके और मां बाप को मां बाप का सम्मान दे करके जा करके अपनी पीड़ा कहे तो सही, मां बाप तुरंत उसकी पीड़ा को हल करते हैं, रास्ता खोलते हैं उसका, तुरंत रास्ता खोलते हैं। तो हमारा जो लगाव हो वो उस तरह का लगाव हो। आपका जीवन बाह्य नहीं है, शरीर नहीं है, सबको पता है ये एक दिन मरना है, तो ये अपूर्ण है। ये चाहे आप कितना ही इसको देते रहिए, ये कभी पूर्ण नहीं होगा। और याद रखना, शरीर का शरीर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ये तो मोह माया का बंधन है, भगवान ने इसमें परीक्षा रखी हुई है जोड़ने के लिए, कहीं आप बिखर ना जाएं। भगवान का संसार, भगवान का घर, भगवान का संसार, भगवान का घर बिखर जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके मन में भोग है, बहुत प्यार करके कह रहा हूं, अगर आपके मन में भोग है, मां का रिश्ता, बाप का रिश्ता, बहन का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, आपको कोई रिश्ता दिखाई नहीं देगा, अपना स्वार्थ दिखाई देगा, और अपने ही रिश्ते को आप किसी ना किसी तरह से गिरा देंगे, खत्म कर देंगे। दुनिया में देख लीजिए आज क्या हो रहा है, आज दुनिया में देख लीजिए क्या हो रहा है। जब संबंध जुड़ता है, फिर से लाड करके कह रहा हूं, सूरज की किरणें बिखरी हुई रहती हैं, इसलिए उनकी शक्ति कमजोर रहती है, निष्क्रिय नहीं कहूंगा, बिखरी रहने के कारण कमजोर होती हैं, पर जब इकट्ठी हो जाती हैं, उत्तल लेंस से इकट्ठी हो जाती हैं, तो जहां इकट्ठी होती हैं वहीं आग लगा देती हैं। अरे तो यही तो कर रहा हूं, परिवर्तन के लिए यही किया जा रहा है, काम को छोटा करते ले जा रहे हैं कि आप पर बोझ ना रहे, छोटा छोटा परिवर्तन ला करके एक बड़ा सरंजाम खड़ा कर देना चाहते हैं। हां गुप्ता जी, गति चाहे धीमी हो, कितनी ही धीमी क्यों ना हो, पर उसमें जागृति हो,
उसमें जागृति हो, हम इकट्ठे हो, हम एक बने, दो ना बने। कल मैंने 3-4 बच्चों को खूब जोर से डांटा था, मैं कहूंगा मेरी डांट कैसी लगी, जरा वो लिख करके भेजें, मेरी डांट कैसी लगी। 4-5 थी वो, महिलाएं थी, 4-5 थी, मैंने 4-5 को कल डांटा था बहुत बुरी तरह से। जरा अपनी मेरी डांट का प्रभाव बताना, कैसा प्रभाव पड़ा। अगर वो अच्छी लगी तो मेरे से लगाव है, और मैंने डांटा इसलिए मेरा लगाव उनके साथ है। उन्होंने सह लिया, मैं जब उनका डांट तो रहा था, जब उनका चेहरा देख रहा था तो मुझे उनकी लाचारियां झलक रही थी। मैं उठाऊंगा, मैं बढ़ाऊंगा, जो प्रयत्न किया जा रहा है उसी के लिए किया जा रहा है, जोड़ने के लिए किया जा रहा है। आग लगने पर जिस तरह से सब अपनी बाल्टी लेकर के दौड़ पड़ते हैं, चोर के आ जाने पर सब अपनी लाठी लेकर के दौड़ पड़ते हैं, जिस कार्य में भी सामाजिक स्थिति नियंत्रण के बाहर जाती चली जाती है तो समाज के लिए भी खतरा पैदा हो जाता है, सब सहयोग के लिए दौड़ते हैं, तो वहां पर सहयोग की भावना खड़ी हो जाती है। सिर्फ सहयोग से ही बुराई को मिटाया जा सकता है। अगर आप समाज में रहते हैं और समाज आपके साथ जुड़ा है तो आपको गलत काम करने में डर लगेगा। अगर वो डर ही आपने निकाल दिया है तो फिर आपको कोई डर नहीं लगेगा, आप उजाड़ेंगे, पर उजाड़ेंगे समाज को, उजड़ेंगे खुद, उजाड़ेंगे समाज को, उजड़ेंगे खुद, बसाएंगे समाज को, बसेंगे खुद। मैंने परसों एक बात बोली थी, आज फिर बोल रहा हूं। गंगा विहार में हमारे दो कार्यकर्ता हैं, दोनों की आपस में झगड़ा हो गया, तो एक कार्यकर्ता दुबे जी से कहता है कि मैं अब नहीं आऊंगा गायत्री परिवार में। हाँ, कह देते हैं, पर छोड़ना आसान नहीं है, छोड़ना आसान नहीं है। जो आत्मा स्वीकार कर चुकी है वो नहीं छोड़ने देगी। आदमी कह सकता है, नाराज है, कह सकता है। अब मैं कहता हूं यदि वो छोड़ते हैं तो किसका बुरा कर रहे हैं। गुरुदेव को अगर वो छोड़ते हैं तो किसका बुरा कर रहे हैं। अरे छोड़ करके तो अपना ही बुरा है, तो जुड़ जाओ। कह लिया, ये तो मुंह का है, बाहर का है, कुछ भी कर लिया, ये तो बाहर का है, अंदर का नहीं है, अंदर से तो जुड़े हुए हो, इसलिए उस अंदर के जुड़ाव को ही ध्यान कहते हैं। वो जो अंदर का जुड़ाव है, जहां लगाव है, उसी को ध्यान कहते हैं। गुरुदेव जो कुछ भी बोलते हैं, एक एक शब्द को पीते चले जाएं, एक एक शब्द पर ध्यान दें और अपनी चेतना को उसी के अनुसार गति दें। ध्यान हो गया, समय हो रहा है, इसी में और ज्यादा, जब तक आदमी को पहली सीढ़ी पकड़ नहीं आ रही है तो अंतिम पे कैसे पहुंचेगा। पहली सीढ़ी पे तो पैर रखना पड़ेगा ना, तभी तो अंतिम तक जाएगा। इसलिए अंतिम तक लेकर के जाना है। माध्यम ध्यान होगा, आत्मा का आत्मा के साथ जुड़ाव होगा तो आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल को बढ़ाना है, गति को लाना है, आएगी, आप जुड़े रहे हैं। एक बात और सबको कह रहा हूं, अपने अपने क्षेत्र में आपके आसपास जितने भी परिजन हैं सबके सब मिलकर के प्रयास करिए,
सब लाइव पर आए सुने बात को। सब लाइव पर आए और बात को सुने, कुछ तो समझ आएगा। इसलिए प्रयास करें जोड़ने का। कल मैंने कोनिया वालों को कहा था, मीटिंग के लिए कहा था, परंतु किसी का फोन भी नहीं आया है मेरे पास अभी। मेरे से जितना हो सकता है सबको बारीकी से देख रहा हूं। पता नहीं फोन को क्या हो गया, उल्लू फोन को क्या हो गया। एक सेकंड, फोन दिक्कत कर रहा है, जरा एक सेकंड। सब लाइन पर रहना, अभी मेरा फोन दिक्कत कर रहा है, एक सेकंड लाइन पर रहना। कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का, प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन मंथन से
अंत ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान उत्कर्ष अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्र वेद शब्द वेद लक्ष्य वेद, वेधन शोधन जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण,
मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। अज्ञा चक्र जागरण। षटचक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योग अग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार। ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में। ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण। जागरण। कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। का महानता में परिवर्तन।
कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन संवर्धन जागरण कुंडलनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के पांच चरण, पंचोंकार।
समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर फिरे। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं, जो समझाया है ध्यान देने की कोशिश करना, और अच्छे से समझाऊंगा। लिखो आप अपनी बात, जो लिखेगा मुझे ये तो पता लगेगा कहां तक जा रहे हैं। केवल बड़बड़ करने से, होठों को चलाने से, जप करते हो ना, जप, तुम सोचते हो हम जप करते हैं, अगर परिवर्तन नहीं है तो जप नहीं है। हम ध्यान कर रहे हैं, अगर परिवर्तन नहीं है तो ध्यान नहीं है। और मैं दावे से कह रहा हूं, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जप करना तो होठों की प्रैक्टिस है, केवल होठों की क्रिया है, पर इसी को अगर हृदय से किया जाए तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, उसमें हृदय सक्रिय होता है। ऐसे ही ध्यान भी अगर आप ध्यान से करोगे, ध्यान को ध्यान से करोगे तो परिवर्तन आएगा। कमी ध्यान की नहीं है, कमी अपने मन की है। कल और समझाऊंगा, आज की बात संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।